हेलो यार, कैसे हो यार? सब के सब देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है ड्रग के ऊपर है। मतलब जिसमें तुम से नो टू ड्रग्स कह लो, या फिर मतलब ड्रग के ऊपर जो भी टॉपिक्स आते हैं वो इसके ऊपर है, मतलब उसके ऊपर है ये पेंटिंग। ठीक है, तो देखो यार, बैकग्राउंड में मतलब हमें ना अलग अलग कलर्स वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और थोड़ा अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड करूँगा। ठीक है, तो इसमें राइट साइड आपके सारे कलर्स पड़े हैं, जो जो कलर कर रहा हूँ वो यूज़ करो। बस देखो ब्रश को कैसे चलाना है, थोड़ा सा मतलब दबा दबा के ब्रश को चलाना है, प्रेशर डाल के चलाना है शीट पर। ठीक है, और मतलब हल्का पानी यूज़ करके करना है, ठीक है, जिससे कि कलर मतलब थोड़ा ब्लेंड और अच्छी तरह हो। ओके, और देखो आपको हर तरफ से जाना है, लेकिन आपको ना डार्क मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करना है। जैसे देखो ये पिंक इधर डार्क है, और फिर उसके बाद येल्लो मिक्स करूँगा वो मीडियम है, और फिर वाइट मिक्स करूँगा वो लाइट है। और देखो येल्लो को पिंक में बिल्कुल मैं घुसेड़ के कर रहा हूँ, मतलब डाल के कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मतलब ब्लेंड प्रॉपर हो रहा है। तो आपको भी ऐसे अंदर डाल डाल के करना है बिल्कुल पेंटिंग को। ठीक है, येल्लो को बिल्कुल उसके अंदर मतलब पिंक के अंदर डाल के, या फिर इधर कर रहे हो देखो, अभी इधर थोड़ा सा टेक्सचर भी दिया है मैंने, जैसे बैकग्राउंड हो गया था ना, तो हल्का हल्का ऐसे डॉट डॉट सा थोड़ा टेक्सचर टाइप दिया था। ठीक है, या झाड़ी झाड़ी टाइप कैसे भी कह लो। अब देखो यहाँ पे बीच में बिल्कुल ही वाइट ले आऊँगा अब। ठीक है, और ना जब तक मेरी मर्जिंग प्रॉपर नहीं होती ना, तब तक मैं उन बैकग्राउंड को छोड़ता नहीं हूँ। अभी देखना, मैं लास्ट लास्ट में तुम्हें कुछ एग्जांपल दे दूंगा साथ के साथ। देखो ये देखो वाइट, अब देखो वाइट और पिंक इतना मर्ज नहीं हुआ ना, और राइट साइड भी इतना मर्ज नहीं हुआ, तो देखो उसको मर्ज करूंगा मैं एंड तक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दो। देखो अब येल्लो ले लिया, ये मीडियम पार्ट था ना, तो मीडियम टोन लिया, अब उसको मर्ज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इधर वाइट और अच्छी तरह बिल्कुल ही मतलब और लाइट ला के बिल्कुल ही मर्जिंग बिल्कुल प्रॉपर देना है, मतलब मेरे को कहने का मतलब ये है। देखो अब इस पार्ट पे ना लगभग सारे बैकग्राउंड अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो टर्किश ब्लू अलग है, फिर बीच में वाइट सा आ रहा है, फिर पिंक अलग है। तो अब सबको मिक्स करने के लिए येलो की हेल्प ली मैंने, एक मीडियम टोन को ही। ठीक है, तो देखो टर्किश ब्लू में येलो मिक्स करा, अब इधर से वाइट उसका लाइट टोन है, तो वाइट को और यूज़ करके फिर उसको मतलब बिल्कुल प्रॉपर मर्ज कर दिया येलो के साथ, जिसमें थोड़ा सा टर्किश ब्लू वाला लुक भी आ रहा है। और फिर इधर देखो पिंक बिल्कुल अलग आ रहा है, तो पिंक को लूँगा और वाइट के साथ मर्ज कर दूंगा इसको, मतलब जो लगभग बैकग्राउंड इधर बन ही रहा था, तो उसके अंदर ले जाते जाओ पिंक को, वो लाइट होता जाएगा पिंक खुद ही, और मर्जिंग डालते जाओ। अब देखो वाइट लिया और इसको प्रॉपर पिंक के साथ मर्ज कर दूंगा। मतलब जब तक मर्जिंग पूरी ना आए ना बैकग्राउंड में, तब तक यार बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, तो बिल्कुल आपको प्रॉपर मर्जिंग देनी है। अब देखो अब टर्किश ब्लू को ना ऐसे बिल्कुल मर्ज कर दूंगा, ये देखो जहाँ पे टर्किश ब्लू और वाइट मिल रहा था उन दोनों वाले पार्ट के बीच में ब्रश चला दिया मैंने, तो वो मीडियम टोन आ गया मतलब। ओके, अब देखो ऊपर ऐसे ब्लैक करना, और उससे ना ऐसे ब्राउन ब्राउन सी लाइंस निकालना, ये ना मैं सिगरेट्स बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन लाइंस निकालनी है पहले, फिर उसके बाद ना इसको सूखने देना, उसके बाद और एक ब्राउन की लेयर करना, और उसके बाद उसके ऊपर वाइट करना। ठीक है, देखो जस्ट ये मतलब बेस कर रहा हूँ अभी सिगरेट का, ये मान लो। देखो अब ना हम सिगरेट के ऊपर मतलब और एक लेयर करेंगे ब्राउन की। ठीक है, तो ये देखो ये ब्राउन कलर ऐसे करा, अब इसके ऊपर ना हम वाइट का लाइट डार्क और मीडियम टोन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इस तरफ मैंने वाइट बिल्कुल ही ज़्यादा यूज़ करा है। ठीक है, फिर उसके बाद ना इसको लाइट टोन में यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करा, अब अंदर अंदर भी देखो हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा अंदर भी डाल रहा हूँ मैं, देखो ऐसे ये सब। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा टेक्सचर डालना है सिगरेट वाला। ओके, और फिर उसके बाद लास्ट में हल्के हल्के हम डिटेलिंग भी करेंगे इस पे वाइट से। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना। ये देखो इधर बिल्कुल ही लाइट टोन रखा है वाइट का, मतलब वाइट का डार्क टोन कह लो, ज़्यादा वाइट यूज़ करा है मतलब ऐसे। ठीक है, अब हर सिगरेट में ऐसे कर दो। ये देखो ये डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे ये सब लाइंस वगैरह डालना, जो कि मतलब तुमने देखा होगा सिगरेट के ऐसे ब्राउन वाली मैं पीता नहीं हूँ। ठीक है, पर मतलब मैंने देखा हुआ है वो, उस पर ना मतलब ऐसे करके कुछ ऐसे वाइट वाइट लाइंस होती हैं, तो वो चीज़ डाल देना आप। ओके, नहीं तो गूगल से देख लेना यार।
और देखो ये ऐसे करने के बाद ना आगे एक ऐसे स्कल सा बनाना कि मतलब सिगरेट पीने से ये हाल हो जाता है बंदों का, मतलब टपक ही जाते हैं ख़त्म, ठीक है। और ना ये मतलब ऐसे जब करोगे तो आपको ना, जैसे पहले ना एक तरीका बताता हूँ, एक तो ये वाला तो ऐसे स्कल बना रहा हूँ ठीक है, पर ना जैसे पहले ना आप ब्लैक कर देना और उसके ऊपर वाइट से ना आप ऐसे बनाना, जैसे देखो ये कर रहा हूँ ना ये वाला पार्ट, ये तरीका यूज़ करना है स्कल बनाने के लिए, तो ये ज़्यादा इजी तरीका है। मतलब पहले ब्लैक कर दो और उसके बाद उसके ऊपर वाइट से कुछ भी चलाओ, तो वो थोड़ा ग्रेइश और ब्लैकिश लुक और मतलब थोड़ा वाइटिश लुक खुद ही ले लेगा, मतलब सारे टोन खुद ही ले लेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके करना है। और दूसरी चीज़ यार, हाँ तुम्हें एक चीज़ बताना था, ये ना जितने मैं पेंटिंग्स वगैरह करता हूँ ना, ये मतलब कॉम्पिटिशन्स में मैं पहले थोड़ा मतलब आ जाता था कुछ कुछ, ठीक है। तो मतलब तुम ना वो चीज़, इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ना देखता था मैं पेंटिंग, तो कोई ऐसी इतनी अच्छी पेंटिंग करता नहीं था, मतलब कॉम्पिटिशन के लेवल की ऐसी कर देते थे, तो वो मतलब बना के तो आते थे पर उससे मतलब जीतने के चांसेस इतने ज़्यादा लगते नहीं थे। तो ना मैंने इसलिए सोचा कि यूट्यूब पर ना कोई ऐसा चैनल खोलूँ मतलब थोड़ा, जिससे कि बंदे जीत पाए, समझ रहे हो। तो इस वजह से मतलब मैं थोड़ी वैसी पेंटिंग बनाता हूँ, तो आपके जीतने के चांसेस से ज़्यादा होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बस यही कहना था। और ये देखो ये सिगरेट के ऊपर जो बनाया ना, इसमें रेड ऑरेंज और येलो यूज़ करा और डॉट डॉट करके करना है आपको उधर, ठीक है। और ये बीच में एक रेड सी लाइन होती है, वो भी डाल देना हर सिगरेट पे, और थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग भी डालनी है, शेडिंग कहीं नहीं छोड़ना आपको। ये देखो यहाँ पे फिर वाइट से हल्की हल्की शेडिंग डालनी है, तो ये डार्क मीडियम और लाइट टोन खुद ले लेगा। ये देखो ये येलो से कर रहा हूँ, आप वाइट से भी कर सकते थे, ब्राउन यूज़ करके फिर वाइट से कर सकते थे, पर मैंने टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट येलो से कर दिया। मतलब आप अगर ब्राउन और वाइट यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा उससे। हाँ अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे ना एक मतलब ऐसी बंदा है, वो झुक के बैठ रखा है, ठीक है, सर उसने घुटने पे डाल रखा है और ऐसे मतलब झुक के बैठा हुआ है, पर वो स्कल जैसा इमेज बना रहा है, मतलब कि डिप्रेस्ड है वो असल में, ठीक है। और क्यों है, यही सब मतलब ड्रग अब्यूज़ वगैरह करके ऐसे, ठीक है, बंदे करने लग जाते हैं ना डिप्रेस्ड होते हैं, तो इसलिए फिर वो, पर असल में आपके लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, ये चीज़ शो हो रहा है। और इसमें ना आपको शेडिंग का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है, डार्क मीडियम और लाइट टोन का यूज़ करना है, और ब्लैक और वाइट कलर ही यूज़ करना है बस इसमें आपको, ठीक है, और तीनों टोन आपको देना है उससे ही। देखो इसमें ना आपको दोनों लुक नहीं छोड़ना, मतलब एक तो स्कल वाला लुक भी, और दूसरा जो ऐसे मतलब डिप्रेस्ड है हाथ और पैर हैं ये वाला लुक भी नहीं छोड़ना। तो दोनों को ध्यान में रख के आपको कलर करना है। जैसे देखो हाथ की आउटलाइन कर रखी है और पैर को थोड़ा ऐसे ध्यान से दिखा रखा है, तो ये सब आपको दिखाना है। और इसके पीछे ऐसे एक शेडो सी डाल देना बस, ठीक है, ब्लैक और टर्किश ब्लू कर देना इसमें, या पर्शियन ब्लू कर देना, या ब्लैक ही रखना। अब देखो ये सारे सिगरेट के नीचे ऐसे एक परछाई सी डाल देना, ठीक है, तो थोड़ा वो और अच्छा लुक ले आता है बस। और बाकी आगे पानी से फैला देना, जैसे देखो ये फैला रहा हो ना, ये ऐसे करके पानी से फैला देना आगे। अब देखो ये क्या है, ये ना टाइम है, ठीक है, जैसे मतलब जो सिगरेट पीते हैं ना उनके लिए टाइम कम हो जाता है, बस ये चीज़ शो कर रहा है ये, ठीक है, जैसे 30 की उम्र में मर जाते हैं या फिर 40 की उम्र में मर जाते हैं, ये चीज़ ये शो कर रहा है। देखो तुम यहाँ पे ना ग्रीन कैसे बना सकते हो, ये वाला ग्रीन और येलो को मिक्स करके बना सकते हो, या तो ग्रीन के अलावा कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम ग्रीन ही यूज़ कर रहे हो। और देखो यार यहाँ पे ना एक पार्ट मतलब स्किप हो गया था, वो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गई थी, वही कंट्रोल कर रहा था इस वजह से। तो देखो यहाँ पे ना क्या करा मैंने, ये रेड ऐसे शीशी बनाना और इसके लेफ्ट साइड ऐसे वाइट लाइन डालना और राइट साइड वाइट लाइन डालना, तो बस हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और ढक्कन भी सेम वही जो वाइट डाला होगा ना वो रेड के साथ मिक्सड होगा, तो वो ढक्कन भी वैसी एक लाइन डाल देना बस, तो ढक्कन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ऐसे फेस बनाना है तुम्हें जो कि मतलब ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, इसमें ब्राउन करना पहले, फिर वाइट से ऐसे गोल गोल कर देना, फिर ऑरेंज से हल्का मीडियम टोन डाल देना, ठीक है, और फिर हाथ वगैरह बनाना, यार वो तो देख के तुम्हें पता लग ही जाएगा, ठीक है, ये मतलब है एक लड़की है और वो ड्रग अब्यूज़ कर रही है, ठीक है, जो नहीं होते 3 लाइन बना के ऐसे नाक में ले रहे होते हैं, तो फिर वही चीज़ आपको शो करना है। और थोड़ी थोड़ी यार ऐसे परछाई दिया करो, ताकि उससे मतलब बस और कुछ नहीं यार, लुक अच्छा आता है पेंटिंग का, इस वजह से ये ऐसे शेडो वगैरह डाल दिया करो पीछे। जैसे देखो मैंने
पीछे वो पर्शियन ब्लू से करा या टर्किश ब्लू से कर दो या ब्लैक से कर दो, किसी से भी कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके पेंटिंग का लुक अच्छा रखना है आपको मेनली, ओके। देखो यार, यहाँ पे ना घड़ी की सुई बनानी है आपको, और वो ना आपको दो सिगरेट से दिखाने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे लाइफ को कौन डिसाइड कर रहा है, सिगरेट डिसाइड कर रहा है, तो इस वजह से। अब देखो ये ना, यहाँ पे सिगरेट आप सेम वही तरीका यूज़ करना जो ऊपर आपने यूज़ करा ना, जैसे ब्राउन करना, फिर वाइट लाइन करना, फिर रेड कलर के बीच में लाइन डालना, और थोड़ा सा यार मतलब ब्लैक आउट लाइन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है यार, पेंटिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। पेंटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, और कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पक्का पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।